सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अजय नारंग फ्रॉम द बीघा रियल एस्टेट। और आज हम रिव्यू करेंगे कोरोना बिल्डर का प्रोजेक्ट कोरोना ग्रीन इन सेक्टर 5 सोना, जिसको साउथ ऑफ गुड़गांव भी बोलते हैं। सो ये अगेन ए DDJY प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है। सो अभी हम क्या है, बैक टू बैक DDJY प्लॉटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी डिमांड पे चल रहे हैं DDJY के प्लॉट। सो सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट सेगमेंट है कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है। सो आइए देखते हैं कनेक्टिविटी के बारे में और तब फिर आगे हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड, ये हम यहाँ से बादशाहपुर चौक से, जिसको वाटिका चौक भी बोलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो लोकेशन है सेक्टर 5 सोना, जिसको साउथ ऑफ गुड़गांव भी बोलते हैं। तो मैं पूरी कनेक्टिविटी आपको समझाऊँगा कैसे आप लैंड करेंगे सेक्टर 5 सोना में हमारे प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एलान का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है लेफ्ट साइड में, और सामने ही एक एरिया मॉल करके भी है। क्या है कि जो आपका सोना एलिवेटेड रोड है, उसका कुछ पार्ट राजीव चौक और बादशाहपुर चौक से अभी ओपन नहीं किया है, कि जैसे वो वहाँ से ओपन हो जाएगा तो बादशाहपुर चौक के लिए भी आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। सीधा राजीव चौक से आप अंडरपास लेते हुए सोना एलिवेटेड रोड पे आप सीधा जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी टाइम सेव होगा। अब देखिए, यहाँ से हम जो है राइट साइड से सोना लिमिटेड रोड पे से आ जाएंगे सोना लिमिटेड रोड। ये हम सोना लिमिटेड रोड पे आ गए हैं। राइट साइड में लेमन ट्री होटल है। हार्डली 3-4 किलोमीटर के बाद जो है दिल्ली मुंबई
जो एक कॉरिडोर है एक्सप्रेस वे जो है उसका आपको काम दिख जाएगा। यहाँ पे एक फ्लोवर भी फ्लाईओवर भी बन रहा है जिससे सोना एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी सीधा जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जो है बनने वाली है। मैं दिखाता हूँ उसका काम चल रहा है, देखेंगे आप अभी। जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो यही जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से अटैच करेगा सोना एलिवेटेड रोड को। स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर वैली, लेफ्ट साइड में आपके आ जाती है फ्लावर वैली, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली काफ़ी फेमस है यहाँ पे, काफ़ी ऑक्यूपाइड भी है ये। उसके आगे जो है आपका गोदरेज नेचर का के प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, साम राइट साइड में भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ आसपास जो है सेंट्रल फ्लावर वैली के साथ में गोदरेज नेचर सिग्नेचर का मॉल है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये आसपास की वो रहने वाली है। सो गोदरेज जो नेचर प्रोडक्ट है जो सेंट्रल फ्लावर वैली सेंट्रल ऑफ फ्लावर वैली के बाद है, वहाँ से आगे 3 किलोमीटर पे सोना स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड में भी एक आप हाई राइज देख रहे होंगे, ये भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सामने आप एक और हाई राइज देख रहे होंगे, वो एल्डिको का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड में जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी है और राइट साइड में जीडी गोइंग का जो है हाई स्कूल है एंड वर्ड स्कूल आ जाता है। स्कूल यूनिवर्सिटी हाई स्कूल ये सब यहीं पर है। के आर मंगलम यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर इसी रोड पे। एलिवेटेड रोड जो है ये आके सोना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से जो है हमको सोना एलिवेटेड से नीचे लेफ्ट साइड लेना है। यहाँ से आगे सोना स्टार्ट हो जाता है बट हमें लेफ्ट साइड लेना है सेक्टर 5 के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, राइट। राइट लेना है, पहले सोना एलिवेटेड रोड से लेफ्ट और फिर ये राइट, और यहाँ से हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। सो ये है कनेक्टिविटी सोना एलिवेटेड रोड से।
आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। सो अब हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सो अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका सोना एलिवेटेड रोड से 248 है जो जिसको बोलते हैं, और इसकी 10 मिनट की कनेक्टिविटी बनती है आपकी 10 से 15 मिनट की KMP एक्सप्रेसवे से, और 5 मिनट की कनेक्टिविटी इसकी बनती है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, जिसका मैंने आपको कनेक्टिविटी में दिखाया था कि काम चल रहा है, और 20 से 25 मिनट की कनेक्टिविटी है जो इसकी राजीव चौक से और DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से बनती है। फ्यूचर में जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी एक रोड आ रहा है जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, वहाँ से भी एक 60 मीटर की कनेक्टिविटी इस रोड की बनेगी, राइट। सो ये था इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं बिल्डर, जो हमारा सेकंड सेगमेंट रहता है बिल्डर के बारे में। सो बिल्डर जो है कोरोना बिल्डर है, और ये इसका 4th प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है था इसका बहादुरगढ़ में था कोरोना आर्केड के नाम से। सेकंड प्रोजेक्ट था इसका कोरोना ऑप्टिक्स सेक्टर 37C, और एक इसका प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 76 में आया था, राइट। सो ये इसका 4th प्रोजेक्ट है, जो कि DDJY की बात करें तो पहला इसका प्रोजेक्ट है ये, राइट। सो अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। सो ये जो है 12 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें 228 प्लॉट बिल्डर लेके आया है, और मल्टीपल प्लॉट साइज़ यहाँ पे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 87 स्केयर यार्ड टू 178 स्केयर यार्ड, और जो है ये एक ही फेस के अंदर जो है ये लाए हैं इन प्लॉटिंग को, राइट। अगर मैं इसके आसपास रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की बात करूं, तो बीच में मैंने आपको कनेक्टिविटी के टाइम पे दिखाया था कि MVN एथेंस करके एक सोसाइटी है जहाँ पे पीपल जो हैं अभी रह रहे हैं, और एक अरावली होम्स करके भी है जो आपकी अफोर्डेबल सोसाइटी है, वहाँ पे भी जो है अराउंड 2000 फ्लैट है और आपकी अफोर्डेबल सोसाइटी है, वहाँ पे भी अभी आपके बंदे रह रहे हैं वहाँ पे, राइट। सो इसके अलावा जो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली है आपकी, और जो अदर जो प्रोजेक्ट हैं जैसे गोदरेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको कनेक्टिविटी के टाइम पे LDGO का प्रोजेक्ट दिखाया था, तो आसपास इतनी हैबिटेशन तो नहीं बोल सकते, बट आ रही है काफ़ी, अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, और फ्यूचर में कनेक्टिविटी भी अच्छी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ आसपास स्कूल्स की, तो हरियाणा इंटरनेशनल स्कूल, DPS आपका जो है, GD गोयनका स्कूल, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, अंसल यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, और आपका वुडवर्क जो आपका स्कूल है, एक स्कूल मैंने बीच में जब हम कनेक्टिविटी के टाइम में मैंने दिखाया था, तो लोकल भी काफ़ी स्कूल है, इसी रोड के ऊपर भी आप 2 स्कूल देखोगे CBSE बोर्ड के। सो आसपास स्कूल्स भी हैं, और 10 मिनट पे आपका जो है सोना बस स्टैंड भी यहाँ से कनेक्टिविटी बनती है, राइट। सो मैं बात करता हूँ एमिनिटीज़ की, तो एमिनिटीज़ में यहाँ पे अगेन DDJY प्लॉटिंग में कंपलसरी होता है 1 एकड़ का पार्क देना, 1 एकड़ का कम्युनिटी के लिए जगह देना, तो वो यहाँ पे बिल्डर दे रहा है, प्लस ओपन स्पेस है, ओपन MB थिएटर है, और लश ग्रीन जो है आपको ग्रीनरी काफ़ी मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा जो सारी जो आपकी वायर्स हैं वो आपकी अंडरग्राउंड रहेगी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी है यहाँ पे। सो जो एक नॉर्मल DDJY प्लॉटिंग में आपको मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, राइट। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी पेमेंट प्लान की, तो ये इन्होंने अपना OC के लिए अप्लाई कर दिया है। सो आपको 90% पेमेंट के करीब आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देख लेंगे कहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो अब मैं बात करूँ इसकी जो प्राइसिंग की, सो प्राइसिंग जो है वो अभी 45,000 BSP है, और अराउंड 5,000 के करीब जो है अदर चार्जेस है। सो जो हमारे नए सब्सक्राइबर अभी ऐड हुए हैं रिसेंटली, तो मैं उनको भी DDJY का स्कीम का बता देता हूँ कि कैसे ये DDJY स्कीम वर्क करती है। सो DDJY स्कीम में क्या होता है कि दीनदयाल जन आवास योजना सुनने में इसका, इसमें क्या होता है कि हरियाणा गवर्नमेंट की ये स्कीम है, और इसमें इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके आप सेल कर सकते हो नॉर्मल हुड्डा में, जिसको SSVP बोलते हैं आज की डेट में। तो उसमें आपका जो, अगर आप इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करानी है, तो आपका फ्लोर साइज जो 180 स्क्वायर यार्ड से ऊपर होना चाहिए,
बट DDJY स्कीम के अंदर अगर जब बिल्डर प्लॉटिंग लेके आता है तो साइज़ जो आपके रहते हैं वो लेस देन 180 स्क्वायर यार्ड रहते हैं, और इसमें आप इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके भी इसको सेल कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ दोनों पर्पज़ से काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। 9 मीटर की आपकी रोड रहती है, कम्युनिटी के लिए पार्क के लिए एक एकड़ के करीब इसको बिल्डर जो है प्रोवाइड करवाता है, बाकी जो नॉर्मल जो पार्क वार्क और ग्रीन्स ओपन ग्रीन्स है वो तो रहता ही है, राइट। सो ये हमारी DDJY स्कीम है। सो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट करोना बिल्डर की साइड से, करोना ग्रीन इन सेक्टर 5 सोना, जो साउथ ऑफ गुड़गांव भी बोलते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको गुड़गांव रियल एस्टेट का अपडेट रहेगा, राइट। सो थैंक यू एवरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।